मेरी YouTube वाली फैमिली का बहुत बहुत स्वागत है मेरी लाइफ में फिर से। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, वुमेन में फैमिली, औरत से ही परिवार बनता है। इससे पहले कि आज के वीडियो की शुरुआत करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे फादर इन लॉ गए थे अभी गाँव, वहाँ पर है हमारा ये आम का बाग जो कि काफ़ी बड़ा है। पहले इसमें खाली सिर्फ 4 ही पेड़ लगे हुए थे जिससे हर साल हमारे यहाँ पे आम आते थे करीब 2 बोरी। लेकिन लास्ट ईयर पापा ने यहाँ पे करीब 100 पेड़ और लगवा दिए हैं, और आम के ही नहीं और भी तरह के यहाँ पे पेड़ लगवाए हैं। इस बार जब पापा गांव से घर वापस आए तो फिर वहाँ से आते हुए पापा 2 बोरी आम लेके आए, 4 से 7 कटहल लेके आए और मूंगफली, जो कच्ची मूंगफली होती है, वो लेके आए। पापा जब गांव गए हुए थे तभी मैंने अपने आगे के गार्डन का मेकओवर किया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, आप देखिएगा ज़रूर। पापा जो कटहल 6-7 लेके आए थे, कुछ बांट दिए कटहल और कुछ मैंने अचार डालने के लिए रख लिए। और अचार डालने के लिए मैंने बुलाया था अपनी मम्मी को। ये देखिए कुछ बचे हुए आम अभी भी रखे हुए हैं, और ये है वो कच्ची मूंगफली और कटहल पापा ने काट लिया था। देखिए ये माँ बेटी बैठकर रात के 11 बजे स्कूल का होमवर्क बना रही हैं। ये काली टी शर्ट में माँ बैठी है, वाइट टी शर्ट में बेटी बैठी है। मेरी बेटी के स्कूल खुलने वाले थे तो उसके प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए मैं बैठ गई थी, क्योंकि उसे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है कोचिंग और ट्यूशन से। तो उसका जो SST का प्रोजेक्ट है वो मैं उसके साथ बनवा रही थी। मैंने जो प्रोजेक्ट इसके साथ बनवाए थे वो मैंने अपने दूसरे चैनल पर डाले हैं, अगर आपको देखना हो तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ये माँ बेटी का काम, माँ दिन भर खाना बनाने के बाद थकने के बाद भी अपनी बेटी को कितना प्यार कर रही है। मैं और सौम्या जब प्रोजेक्ट बना रहे थे तो पापा भी हमारे साथ बैठ गए कटहल काटने के लिए। मेरी मम्मी के हाथ का अचार बहुत ही टेस्टी होता है, वो बहुत ही अच्छा अचार डालती हैं, इसीलिए मैंने उन्हें बुला लिया यहाँ पे अचार डालने के लिए। मेरे बहुत कहने से मम्मी ने अपने अचार की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी है, देखिएगा और बनाइएगा। उसके बाद उसको सुखा लिया। अगर आपके पास में धूप है तो धूप में 2 घंटे सुखाएं, अगर धूप नहीं है तो पंखे के नीचे 4-5 घंटे सुखा लें। उसके बाद सुखा के बर्तन में जितना जैसा हो उसमें भर दें। ये 3.5 किलो का चार है। 3.5 किलो तो उसमें उसके बाद फिर ये हमने मसाले रखे हैं, अमचूर, नमक, ये राई, धनिया, हल्दी और सब हरी मिर्ची, मस्टर्ड ऑयल, इसको गर्म करके फिर उसके बाद ठंडा करना है। ये है विनेगर, ये विनेगर 1 कप विनेगर डाल। इस कटहल को मैंने मम्मी के आने से पहले बॉईल कर लिया था। इसको बहुत हल्का सा बॉईल करना होता है, ज़्यादा नहीं करना होता है, और जो मसाले मम्मी ने बताए हैं बस उन सबको इसमें डालते जाना है। बस क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, मैंने रखे थोड़े कम थे, और मम्मी तो अपने हिसाब से अंदाज़े के हिसाब से डालती जाती हैं अचार। और अचार बनने के बाद 2-3 दिन उसको धूप में रखना होता है, अगर धूप नहीं है तो उसको बंद करके थोड़ा सा वैसे ही पंखे में रखना होगा। लेकिन धूप में रखते हैं तो अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है, इस वजह से धूप में रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब मसाले डालने के बाद मम्मी ने इसमें डाला है सिरका, करीब 1 कप, 3.5 किलो में 1 कप करीब सिरका पड़ गया था, और उसके बाद में तेल डाला है। और सब मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद मम्मी ने भर के उसको एक कंटेनर में रख दिया, ऊपर से ढक्कन नहीं लगाया था, सिर्फ कपड़े से बांध दिया था और धूप में 2-3 दिन के लिए रख दिया था। मेरे बहुत कहने पे मम्मी 2-3 दिन मेरे पास रुक गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले थे तो मैंने उनसे बोला था कि आप उनसे मिलके ही जाइएगा घर। तो करते हैं आज के टॉपिक की बात, औरत ही घर बनाती है। अगर देखा जाए तो जब एक औरत किसी घर में होती है तो काम करने का उसका तरीका जो होता है, घर को संभालने का तरीका होता है,
और अपने बच्चों को जो सीख देने का तरीका है वो सब चीज़ें औरत ही सिखाती है। अगर किसी घर में चार भाई रहते हैं और उन चार भाइयों में मनमुटाव है, लेकिन उनकी बीवियों में अगर मनमुटाव नहीं है तो उनके बच्चों में कभी भी मनमुटाव नहीं आएगा आपस में, चाहे भाइयों में कितना भी मनमुटाव क्यों ना हो। लेकिन अगर बीवियों में मनमुटाव है तो बच्चों के अंदर भी वो चीज़ आ ही जाती है, क्योंकि बच्चा तो ज़्यादातर अपनी माँ के साथ ही रहता है। और अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही वर्किंग है तो भी हस्बैंड वाइफ के कहने पर अपने भाइयों से बात कर ही लेता है उसे, और वाइफ उन्हें समझा ही लेती है। जितनी ज़रूरत हमारी रीढ़ की हड्डी की हमारी बॉडी में होती है, उतनी ही ज़रूरत होती है हमारे घर में एक औरत की। हम अपनी बॉडी में रीढ़ की हड्डी से बहुत काम लेते हैं, और उसी तरीके से एक औरत भी उतनी ही तत्परता से काम में लगी रहती है, अपने घर को संभालने में, संवारने में, अपने बच्चों की केयर में और अपने परिवार की देखभाल में। लेकिन कभी कभी हम इन बातों को भूल जाते हैं और उन्हें इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इस चीज़ का पता तब चलता है या तो घर की औरत बीमार हो जाए या फिर वो 2-3 दिन के लिए कहीं पर चली जाए, तब हमें एहसास होता है कि वो कितना काम कर रही हैं घर में। चाहे वो वर्किंग वूमेन हो या हाउसवाइफ, दोनों ही अपने घर को संभालने में उतनी ही मेहनत करती हैं जितनी कि रीढ़ की हड्डी हमारी बॉडी में करती है। बैकबोन से हम बैठते हैं, उठते हैं, खड़े होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डांस करते हैं। कभी सोचा है आपने? सोच के देखिए, अगर रीढ़ की हड्डी ना हो तो कैसा लगता है? हम सिर्फ एक ही जगह लेटे रहेंगे, कुछ भी काम नहीं कर सकेंगे। ठीक उसी तरीके से एक औरत भी होती है कि वो हर तरीके का काम घर में, मार्केट का हो, बच्चों को संभालने का हो या इंटरनेट का कोई भी काम हो, लेकिन एक औरत वो सारे ही काम बहुत ही तत्परता से करती रहती है। मेरी मम्मी जब यहाँ थी तो उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ नुस्खे सिखाए अपने घर गृहस्थी के, आपके साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगी। और बातों बातों में ही 2 दिन बीत गए और मम्मी के जाने का टाइम भी हो गया। मम्मी साथ में लेके आई थी मेरे भाई के दोनों बच्चों को, जिनके साथ 2 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और जब मम्मी आई थी तो मैंने उनको ये थाली सर्व करी थी। मम्मी ने कहा इतना ज़्यादा तो हम कभी भी नहीं खाते हैं, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि दिन में जब भी मैं लंच बनाती हूँ तो अपने वीडियो पर ये थाली ज़रूर डालती हूँ, तो इसीलिए मैंने उन्हें भी इतना सर्व कर दिया। बाय करो, बाय 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 बाय। ये लेने आई थी मम्मी को, चप्पल था मैंने उतारी, नहीं चप्पल तो नहीं पहनो, ये तो कट जाता है। उसको बैग पहले तैयार हो जाए फिर जाने के लिए। मम्मी को लेने आए थे मेरे भैया भाभी, और उन्हें मेरे पापा ने 2 पेड़ घर से दिए, जो कि मैं अभी लेके आई थी नर्सरी से पापा के साथ जाके। आराम से आती कितनी आती हैं वो, यहीं नहीं आती हैं, 2 दिन के लिए आई और चल देती हैं। और इस तरीके से मम्मी को विदा करते हुए हम लोग आ गए अंदर। आपको ये व्लॉग कैसा लगा और मम्मी ने जो अचार डाला था वो रेसिपी कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।